नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ हम सभी का शिक्षा प्रभा में। दोस्तों, मैं करुणा लेकर के आई हूँ आप सभी की विद्यार्थियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो अब 12th क्लास पास करने के बाद कोई भी डिग्री कोर्स, यूजी डिग्री कोर्स करना चाहते हैं, या फिर जिन किसी ने यूजी कर लिया है यानी कि स्नातक की डिग्री ले ली है और अब वो पीजी कोर्स करना चाहते हैं। तो हमेशा बेटा हमारे दिमाग में ये बात आती रहती है, क्या हम एक साथ दो कोर्स कर सकते हैं, क्या वो दो कोर्स एलिजिबल हैं? तो बेटा, इसके रिगार्डिंग UGC ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है कि अब विद्यार्थी एक ही समय में दो फुल टाइम डिग्री कोर्स कर सकेंगे। लेकिन किन गाइडलाइंस के साथ, किस चीज़ का उनको रखना होगा ध्यान, उस चीज़ को देखेंगे हम इस वीडियो में। तो बेटा, अगर आप शिक्षा प्रभा पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक भी शिक्षा प्रभा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा शिक्षा प्रभा को सब्सक्राइब जरूर कर लें इसी तरह की और अपडेट के लिए। इसके अलावा आपके 9th, 10th, 11th, 12th क्लास के हर तरह के स्टडी मटेरियल, आंसर की, मॉडल टेस्ट पेपर एंड प्रैक्टिस पेपर के लिए। बेटा, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, यूज़फुल लगे तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना मत भूलना। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो UGC 2 डिग्री प्रोग्राम, UGC का बड़ा ऐलान, अब एक साथ दो फुल टाइम डिग्री कोर्स कर सकेंगे छात्र। लेकिन जानिए इससे जुड़े सभी नियम। तो यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन के अध्यक्ष M. जगदीश कुमार ने कहा कि छात्र फिजिकल मोड में, ऑनलाइन तरीके से, फिजिकल मोड मतलब रेगुलर है ना, रेगुलर मोड में ऑनलाइन तरीके से भी एक साथ दो डिग्री कोर्स कर सकते हैं, उसकी अनुमति वो देते हैं। कौन देते हैं? M. जगदीश कुमार, जो अध्यक्ष हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के। तो UGC 2 डिग्री प्रोग्राम, छात्रों को अब दो फुल टाइम डिग्री कोर्स में एक ही समय पर दाखिला लेने की अनुमति होगी। इसका मतलब है छात्र अब एक ही यूनिवर्सिटी से या अलग अलग संस्थानों से दो फुल टाइम डिग्री कोर्स एक साथ में कर सकेंगे। UGC के अध्यक्ष M. जगदीश कुमार ने मंगलवार को यह जानकारी दी है। UGC इस संबंध में जल्द ही गाइडलाइंस जारी करेगा और शिक्षण सत्र 2022-23 से छात्रों को यह विकल्प मिलने लगेगा। जगदीश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि NEP में की गई घोषणा के अनुसार छात्रों को अलग अलग स्किल प्राप्त करने देने के लिए UGC नई गाइडलाइंस लेकर आ रहा है। इसमें अभ्यर्थी को एक साथ फिजिकल मोड में दो डिग्री कोर्स करने की अनुमति दी जाएगी। इसके तहत एक ही यूनिवर्सिटी से या अलग अलग यूनिवर्सिटी से कोर्स किया जा सकता है। जानिए क्या है इससे जुड़े हुए नियम। तो कुमार ने आगे कहा कि छात्रों को फिजिकल मोड में और ऑनलाइन तरीके से भी एक साथ दो डिग्री कोर्स करने की अनुमति होगी। UGC लंबे समय से इस तरह की योजना बना रहा था लेकिन उसे इसके लिए 2020 में मंजूरी मिली है। जगदीश कुमार ने कहा है कि छात्रों द्वारा एक ही समय पर लिए गए दो कोर्स एक ही स्तर के होने चाहिए। बेटा, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। उदाहरण के लिए छात्र दो ग्रेजुएशन या दो पोस्ट ग्रेजुएशन या दो डिप्लोमा कोर्स एक साथ कर सकता है। मतलब अगर आप BA कर रहे हैं तो BA के साथ आप BCOM या BCA या BSc कर सकते हैं, BA के साथ आप MA नहीं कर सकते। और अगर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो MA एजुकेशन के साथ आप MA हिस्ट्री या MA पोल साइंस कर सकते हैं, आप MA के साथ अंडर ग्रेजुएट कोर्स यानी कि BA नहीं कर सकते। इसी के साथ ही साथ दो डिप्लोमा कोर्स भी आप एक साथ कर सकते हैं। अब तीन तरीके दिए हैं यहाँ पर UGC ने फुल टाइम डिग्री कोर्स करने के। क्या हैं वो तरीके? तो UGC के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग छात्र तीन तरीके से दो फुल टाइम डिग्री कोर्स कर सकता है। पहला तरीका है फिजिकल मोड में दोनों कोर्स के लिए पढ़ाई कर सकते हैं, यानी कि रेगुलर कोर्स में दोनों में एडमिशन ले लो एक साथ, बशर्ते दोनों कोर्स का समय जो टाइम है, यानी कि आपको दोनों कोर्सेज का जो टाइम है वो अलग अलग रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप BA हिस्ट्री की क्लास के लिए आप अपना BA फिजिकल की क्लास छोड़ देंगे,
ठीक है, दोनों क्लासों को आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। दूसरा तरीका है कि वो एक कोर्स फिजिकल मोड में कर दो और एक आप ऑनलाइन यानी कि डिस्टेंस एजुकेशन से कर दो। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो कि एक ऑनलाइन कर लिया, मतलब एक तो आपने रेगुलर कर लिया और एक आपने प्राइवेट कर लिया। इसके अलावा तीसरा तरीका ये है कि दोनों ही डिग्रियां आप ऑनलाइन माध्यम से कर लो, है ना, यानी कि दोनों ही आप डिस्टेंस मोड से कर दो। तो ये तीन तरीके दिए हैं यूनिवर्सिटी ने यानी कि UGC ने आपको दो डिग्रियां एक साथ करने के लिए। अब आगे क्या बोलता है UGC, तो UGC के लिए इन गाइडलाइंस को अपनाना ज़रूरी नहीं है। कौन सी? जगदीश कुमार ने बताया कि किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए इन गाइडलाइंस को अपनाना ज़रूरी नहीं होगा, लेकिन आयोग को उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा संस्थान छात्रों को दो डिग्री कोर्स में एक साथ पढ़ाई करने की अनुमति देंगे। उन्होंने कहा कि पहली गाइडलाइन संस्थानों को भेजी जाएगी UGC की तरफ से, यानी कि हर उस यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में भेजी जाएगी जहां पर UGC को फॉलो किया जाता है, जिसके बाद वे अपनी सुविधा के अनुसार इनको अपनाने के लिए स्वतंत्र होंगे। मतलब UGC अपनी तरफ से भेजेगा, उसको एक्सेप्ट करना है नहीं करना है वो उस कॉलेज या उस यूनिवर्सिटी के ऊपर है। छात्रों के एडमिशन और परीक्षाओं के लिए प्रक्रिया व एलिजिबिलिटी संस्थानों द्वारा ही तय की जाएंगी, यानी कि यूनिवर्सिटीज़ ही आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिसाइड करेंगी किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। जगदीश कुमार ने आगे बताया कि अगर किसी विश्वविद्यालय में कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो कि CUET है, आप सभी विद्यार्थी इन दिनों इसके बारे में बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं और इवन काफ़ी लोगों ने इसका फॉर्म भी भर दिया होगा या भरने वाले होंगे, अगर ये उस यूनिवर्सिटी में अनिवार्य हुआ तो छात्रों को वो टेस्ट भी देना होगा। अगर वे किसी संस्थान में एडमिशन चाहते हैं तो उन्हें उस संस्थान यानी कि उस यूनिवर्सिटी या उस स्पेसिफिक कॉलेज की प्रवेश प्रक्रिया का अनुपालन करना होगा। ठीक है बेटा, तो ये है बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो कि आई है परसों यानी मंगलवार वाले दिन, और मेरे को ऐसा लगता है कि ये स्टूडेंट्स के लिए जो अभी 12th क्लास पास कर रहे हैं या आने वाले बच्चे जो अब पास आउट करेंगे और एडमिशन लेंगे UG और PG में, उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ है और बहुत ही ज़्यादा इसकी ज़रूरत भी थी आज के समय को देखते हुए। तो बेटा मैं आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, यूज़फुल लगी होगी और आप खुश हुए होंगे इस खबर को सुनकर। तो बेटा अगर आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप शिक्षा प्रवाह को सब्सक्राइब कर लें इस तरह की बाकी अपडेट्स को देखने के लिए, और बेटा अपना बेल आइकन यानी कि शिक्षा प्रवाह के बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलना।